दिल्ली के साउथ कैंपस थाना इलाके में आर्यभट्ट कॉलेज के एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप कॉलेज के ही दूसरे स्टूडेंट पर है। इनके बीच लड़की के साथ बदतमीजी करने को लेकर कुछ दिन पहले बहसबाजी हुई थी। जब निखिल कॉलेज के गेट के बाहर अकेले था तो मौका देखकर इन लड़कों ने इस पर चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले की पुष्टि करते हुए डीसीपी साउथ वेस्ट मनोज सी ने बताया कि पुलिस को चरक पालिका हॉस्पिटल से मामले की सूचना मिली थी। बताया गया था कि निखिल चौहान नाम का एक 19 साल का युवक जो पश्चिम बिहार का रहने वाला है, उसे स्टेब इंजरी है और वो आर्यभट्ट कॉलेज का स्टूडेंट है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और ओपन लर्निंग से पढ़ाई कर रहा था। पुलिस को यह भी पता चला कि निखिल की गर्लफ्रेंड से कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट ने 7 दिन पहले मिसबिहेव किया था। इसी बात को लेकर आज बहस हुई। दोपहर में निखिल से कॉलेज के गेट के बाहर 3 लड़के मिले और उन्होंने चाकू से हमला करके निखिल को घायल कर दिया। हालांकि उसे इलाज के लिए नजदीकी चरक पालिका हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साउथ कैंपस के आर्यभट्ट कॉलेज के सामने निखिल की हत्या की घटना को पिता संजय चौहान ने रंजिश बताया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि निखिल की कोई प्रेमिका थी और बदसुलूकी का विरोध करने पर झगड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह पहले निखिल के दोस्त से आरोपी छात्र का झगड़ा हुआ था। इस बात का बदला लेने के लिए आरोपी ने दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। निखिल यूट्यूब पर गाने के वीडियो बनाता था, इसमें वो एक्टिंग भी करता था। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।